बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आई एम डॉक्टर मतीन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 2, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप एक दो मिनट में ज़रा सुने। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एसोशिएटेड प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है, ये चार्ज हम इलेक्ट्रॉन से रिमूव नहीं कर सकते, न मजीद चार्ज दे सकते हैं। क्लियर? तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिर हमने पढ़ा था कि चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? इस क्यों का जवाब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि ईच एंड एवरी बॉडी वॉन्ट्स स्टेबिलिटी। यूनिवर्स में ईच एंड एवरी बॉडी वॉन्ट्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड तो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो डिसिमिलर चार्जेस रेपेल, व्हेन दे रेपेल तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। और सिमिलर है, जो डिसिमिलर है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हेन दे अट्रैक्ट, इनके दरमियान आर कम हो जाते तो पोटेंशियल एनर्जी मजीद नेगेटिव हो जाती है, तो भी से स्टेबिलिटी आ जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन, कि चार्ज किसी भी प्रोसेस में कंजर्व होगा, प्रोसेस से पहले प्रोसेस के बाद चार्ज हमेशा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बल्कि दिस इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नेचर में चार क्वांटिटीज बेसिकली नेचुरली कंजर्व्ड है, मैस, चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम, दीज आर कंजर्व। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये था कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज है वो या ई होगा, या 2e, या 3e, या 4e, या 5e, दरमियान में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पार्टिकल से, किसी बॉडी से हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, हाफ छोड़ दे, या द्विनिम द्विनिम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या छोड़ दे, इस तरह पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, यानी या ई, या 2e, या 3e, या 4e, मतलब क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि कूलम लॉ विल बी अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस ओनली। याद रखिए, कूलम लॉ हम सिर्फ स्टैटिक चार्जेस को अप्लाई कर सकते हैं, मूविंग चार्जेस को कूलम लॉ अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, व्हाट हैपन्स, देयर इज करंट। तो करंट को हम कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अब ज़रा स्टेटमेंट को आप देखें। स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू स्टेटेड पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्टेटेड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखें, ये जो वर्ड इन मैंने अंडरलाइन किए हैं स्टेटेड, याद रखिए, दीज आर द बेसिक कंडीशंस, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम लॉ। रिमेंबर प्लीज, कभी कभार प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि कूलम लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, बेसिक कंडीशंस क्या हैं। तो प्लीज रिमेंबर, कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस, कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। पॉइंट चार्ज का मतलब है डायमेंशनलेस चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्जेस, डायमेंशनलेस चार्जेस। पॉइंट चार्ज का एक और भी मतलब है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। और याद रखें, द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन देम,
नट बिटवीन देयर सेंटर्स। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो सेंटर ना, वो सेंटर लफज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है। ए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी बॉडी इनसाइड द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू बिग बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ के दरमियान यू कैन अप्लाई द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, बिग बॉडीज को भी अप्लीकेबल है। तो बिग बॉडीज का जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, उनके सेंटर से लेते हैं, उनके सेंटर ऑफ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं। तो याद रखें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यहाँ पर सेंटर लफज है, यहाँ पर सेंटर नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर, नंबर वन कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज का मतलब है नो करंट। इट इज अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, यानी चार्ज्ड बॉडीज को अप्लीकेबल नहीं है, बिग बॉडीज को अप्लीकेबल नहीं है। और द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन देम, यानी बिटवीन द चार्जेस, नॉट बिटवीन देयर सेंटर्स। याद रखें ए पॉइंट चार्ज का ये भी मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट दिस इज क्यू वन, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इफ दिस इज क्यू टू, तो वी से इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है ना कि इस चार्ज पार्टिकल का जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर डायमीटर, इसका जो डायमेंशन है इट शुड बी स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा होना चाहिए, किससे, इसके डायमेंशन से। अगर इसके डायमेंशन से ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो याद रखें दिस चार्ज पार्टिकल इज अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस, और दिस चार्ज पार्टिकल इज अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दैट। देखिए ये चार्जेस अगर आप एक दूसरे से दूर रखते, ये डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा करते हैं तो डिस्टेंस अगर बढ़ जाते तो इस चार्ज पार्टिकल का जो डायमेंशन है, डायमीटर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाते तो दिस चार्ज पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट चार्ज। बहरहाल पॉइंट चार्ज का मतलब है सिंगल चार्ज पार्टिकल, डायमेंशनलेस चार्ज पार्टिकल, जिसका डायमेंशन कम हो एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अंडरस्टैंड, दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से चार्ज का डायमेंशन कम होना चाहिए, चार्ज का साइज कम होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। लेकिन याद रखिए पॉइंट चार्ज हम कंपैरिजन में कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्यू वन इज अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू क्यू टू, या क्यू टू इज अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू क्यू वन। तो प्लीज रिमेंबर कूलम ने दो स्टेटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है इसे क्वांटिटेटिवली मेजर किया, क्वांटिटेटिवली बाय यूजिंग अ बैलेंस विच इज कॉल्ड टार्शन या टार्जन बैलेंस। एक बैलेंस है, एक डिवाइस है जिसके जरिए कूलम ने दो स्टेटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान इस फोर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर किया। क्वांटिटेटिवली का मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर किया। देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या है, ये क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब क्वेश्चन ये कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से रेपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो दिस फोर्स वॉज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बाय कूलम बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड टार्जन बैलेंस या टॉर्शन बैलेंस। तो याद रखिए इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली इसे हम इस तरह लिख सकते हैं।
हमारे पास इफ दिस इज अ पॉइंट चार्ज फॉर एग्जांपल Q1, दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज विच इज Q2, वेरी वेरी स्मॉल चार्जेस, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दिस इज R। देखिए ये जो डिस्टेंस है R, ठीक है ना, ये इसके डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए, तो तब दिस विल बी अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस विल बी अ पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस। ए जरा गौर से देखिए, मसलन अगर ये दो प्रोटॉन्स है सपोज, तो याद रखें जब आप इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे के नजदीक 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 ले आते हैं, ये डिस्टेंस अगर आप इनके डायमेंशन से कम करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर से सुने, अगर ये प्रोटॉन्स आप एक दूसरे के नजदीक ले आए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन देयर डायमेंशंस, तो व्हाट विल हैपन, याद रखिए दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, प्रोटॉन प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो इनके दरमियान मीजॉन्स आर इंटरचेंजिंग, कल हमने पढ़ा था वो, ठीक है, मीजॉन न्यूक्लियर फोर्स इनके दरमियान डेवलप हो जाते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो वो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुडंट बी स्मॉलर देन 10^-15 meters। अगर ये डिस्टेंस इतना हो या इससे आप कम करें, तो याद रखिए इनके दरमियान जो रेपल्सिव फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स यानी न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाएगा। याद रखिए न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स इनसाइड द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके दरमियान फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाते, तो कूलम लॉ फेल्स, हम फिर कूलम लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसी वजह से हम कहते हैं कि कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस का ये मतलब है, अगर आप इनके दरमियान में ये डिस्टेंस कम 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 करें, इफ दे आर वेरी क्लोजली कमिंग टू ईच अदर, तो याद रखिए इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन खत्म हो जाते हैं, कूलम लॉ इज देन नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज इनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो याद रखिए कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस और द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन देम। नाउ जरा गौर से देखें, बिटवीन देम लफ्ज का मतलब है इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप देखिए डिस्टेंस का सेंटर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये आर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस एंड दैट, तो डिस्टेंस से ये सेंटर से डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है, शाबाश। ए अब ग्रेविटेशनल फोर्स में हम सेंटर से क्यों लेते हैं, मसलन ये हमारे पास अर्थ है और आप देखिए दिस इज सन, तो यहां पर इनके दरमियान हम डिस्टेंस नहीं लेते, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस अगर आप यहां से ले लें, तो इसका मतलब है कि आप जमीन के रेडियस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जमीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर, आप 6400 किलोमीटर डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, विच इज स्टूपिडिटी। इसी वजह से द कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस, अंडरस्टैंड, शाबाश। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम लॉ, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कूलम फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दिस इज रिलेशन नंबर वन, और दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। याद रखिए कूलम को ये कहां से पता चला, एक्सपेरिमेंट से। ए
कूलम ने क्यों लेटा कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू वन क्यू टू, ये उसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया, टार्शन बैलेंस से एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली फोर्स का रिलेशन चार्ज इसके प्रोडक्ट के साथ आ रहा था। और दूसरा ये है कि अगर ये क्यू वन और क्यू टू है तो इसके जो डायमेंशन है वो कूलम स्क्वेयर आ जाएगा, तो डायमेंशनली ये और ये, इससे तब फोर्स आ जाएगा अदरवाइज ना। तो एक इसका रीज़न क्या है, प्रैक्टिकल, एक इसका रीज़न है एक्सपेरिमेंट, और दूसरा डायमेंशंस, क्योंकि आपको पता है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड के डायमेंशन शुड बी द सेम। इसी वजह से दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है, ये कूलम ने वैसे नहीं लिखा है, ठीक है। कंबाइनिंग दीज रिलेशंस, याद रखिए दीज आर रिलेशंस नॉट इक्वेशंस। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में लिखते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो वो गलत होगा। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है, इसमें भी इक्वलिटी साइन नहीं है, दीज आर रिलेशंस। तो आप पेपर में लिखेंगे कंबाइनिंग रिलेशन नंबर वन एंड टू, तो आप लोग लिखें कंबाइनिंग, शाबाश, रिलेशन नंबर वन एंड टू, सो दिस कुड बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू वन, दिस इज क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेड। रिमूव इन दिस प्रोपोर्शनैलिटी आई विल राइट अ कॉन्स्टेंट विच इज के एंड दिस इज क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेड। याद रखिए दिस इज कॉल्ड कूलम फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स, या दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेयर इस के को हम कहते हैं कूलम्स कॉन्स्टेंट। और याद रखिए इस के का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर्ड डिवाइड बाय कूलम स्क्वेयर्ड। ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो याद रखिए ये जो के है दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस। देखिए ये के हम इस तरह लिखते हैं, के इज इक्वल टू 1/4 πε₀, ठीक है। ये 4π फैक्टर कहाँ से आया है ये हम गॉसेज़ लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस 4π फैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। और याद रखें एप्साइलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का क्या मतलब है, तो प्लीज रिमेंबर इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस। परमिटिविटी को लेक्चर नंबर 3 में पर डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी का क्या मतलब है, ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। और याद रखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू है 8.85 × 10⁻²⁰ कूलम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वेयर। तो देखें आप इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो के इज इक्वल टू 1/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14, दिस इज 3.14, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 10⁻²⁰ कूलम स्क्वेयर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ए इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें और वन पर इनसे डिवाइड करें तो याद रखिए हमारे पास नियर ले आ जाते हैं 9 × 10⁻⁹, और ये कूलम स्क्वेयर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वेयर है। अगर ये ऊपर चला जाए, ठीक है, तो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वेयर। प्लीज रिमेंबर दिस इज द वैल्यू ऑफ के। और अगर इस के का वैल्यू, ये वाले आप ऐसा करें पुट के इज इक्वल टू 1/4 πε₀ इन इक्वेशन नंबर 3, के का ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, शाबाश,
इक्वेशन नंबर थ्री में अगर आप पुट करें तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आ जाएगा 1/4 πε₀, दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। याद रखें दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस या इन एयर। कहाँ से पता चलता है? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस एप्सिलॉन नॉट से पता चला कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं या फ्री स्पेस में पड़े हैं या एयर में पड़े हैं। याद रखिए वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी नियरली सेम है। सो दिस इज द कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम और इन एयर। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फोर्स को हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इस कूलम लॉ को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं। शाबाश। देखिए किस तरह लिखेंगे। लोकेट वेक्टोरियल फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। देखें, आपने फर्स्ट ईयर वेक्टर स्केलर चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था कि एनी वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए इज अ वेक्टर। शाबाश। ए इज अ वेक्टर। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। दिस इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हम इस तरह लेते हैं, याद है। और एक इसका डायरेक्शन है विच इज ए यूनिट वेक्टर। लेकिन याद रखिए दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, ए इज इक्वल टू, इस मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं एंड दिस इज रिटन लाइक दिस। तो प्लीज रिमेंबर, गौर से देखें, अगर आप कूलम फोर्स को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बराबर है के, दिस इज क्यू वन, बल्कि इस तरह लिखूंगा 1/4 πε₀, दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेड, और यहाँ पर वेक्टर का निशान ए। व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। याद रखें इस फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर यूनिट वेक्टर। दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। मैं बता रहा हूँ किस तरह, दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। तो याद रखिए दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द कूलम्स फोर्स विच इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज 5। शाबाश। देखिए ये फोर्स है, तो इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। अच्छा जरा देखें, हमें पता है आर कैन बी रिटन एज, आर इज अ वेक्टर, तो एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन। अगर आप यहाँ से डायरेक्शन कैलकुलेट करें, आर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें, तो आप देखें इसका मतलब है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 को 5 में पुट करो। ए, याद रखिए जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें यू आर गेटिंग यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें यू आर गेटिंग डायरेक्शन। देखिए दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन। वो मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल, तो डायरेक्शन रह जाएगा। मसलन इस तरह, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और ये सपोज नॉर्थ में है। ए, दिस इज अ वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। अगर आप इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या रह जाएगा? डायरेक्शन रह जाएगा।
देखें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो डायरेक्शन रह जाएगा। तो याद रखिए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसे इधर लिखें तो ये फोर्स मैं लिख सकता हूँ, दिस कुड बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिखें Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर्ड एंड दिस विल बी आर वैक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। ए आर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वेयर्ड आर क्यूब। तो याद रखिए कूलम फोर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं वैक्टोरियल फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। दिस इज अनदर वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द कूलम फोर्स। शाबाश। एक वेक्टोरियल फॉर्म इसका ये है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, और दूसरा ये। याद रखिए इस कभी कभार एक MCQ आ जाते हैं, नोट करो शाबाश। ए दिस इज एन MCQ, लिखा हुआ होता है कि द कूलम फोर्स द कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस एन वेक्टोरियल फॉर्म इज गिवन बाय फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर्ड आर वेक्टर। ऑप्शन बी में लिखा है लाइक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर वेक्टर। ऑप्शन सी में अगर लिखा है बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लेटा है, आप मुझे ये बताइए कौन सा सही है। आप देखिए सी, ए अगर इधर आर स्क्वायर है तो इधर आर यूनिट वेक्टर, अगर इधर आर क्यूब है तो इधर आर, ये और ये बराबर है। ए दिस इज आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो आर इसके साथ कैंसिल, यू आर गेटिंग बैक द सेम थिंग। तो याद रखिए ये भी सही है ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी। अब अगर डी में लिखा है नन तो सी सही है, अगर डी में लिखा है ऑल तो फिर डी सही है। अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए ये सही है ये भी सही है ये भी सही है, तो डी ऑल ऑफ देम। याद रखिए कभी कभार इस तरह का एक MCQ आ जाते हैं कि शाबाश जल्दी करो, दिस इज अनदर MCQ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ या फोर्स। Which of the following is the correct vectorial form of Coulomb's law? तो look it, ये हम इस तरह फिर लिख सकते हैं। देखो अगर ऑप्शन में इस तरह लिखा है, देखो ऑप्शन ए में लिखा है F is equal to 1/4 pi epsilon naught, दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेड आर यूनिट वेक्टर। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है। देखो ए इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, तो इसका लुक इट, इसका ये साइड क्या है मैग्नीट्यूड, वो साइड वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर है, तो गलत है। देखिए द इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगर इस तरह लेके F
this is for example like this 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r squared. सही है कि गलत है? गलत है. क्यों? क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ठीक है, तो गलत है. और दिस इज सी फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है कि दिस इज रिटन एज 1 over 4 pi epsilon naught एंड q1 q2 डिवाइड बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर. और अगर d में लिखा है कि दिस इज रिटन एज 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वेड इंटू r वेक्टर. कौन सा सही है? सी सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर r स्क्वेयर है तो इधर r यूनिट वेक्टर होना चाहिए. तो अब देखिए ये वाला सही है, सही फॉर्म इसका सी है. अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए अब इस r की तरफ आ रही है कि इस r का क्या मतलब है, ठीक है. ये फोर्स r के डायरेक्शन में क्यों है? तो लुक एट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. शाबाश. देखें इसे हम इस तरह लिखते हैं कि कूलम फोर्स इज अ 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर इनटू r. अच्छा एक बात आप याद रखें, लुक इट, अगर आप लोगों के पास इधर देखे q1 अगर पॉजिटिव है और q2 आपके पास भी पॉजिटिव है और आप इस q1 को सोर्स कंसिडर करें, इफ दिस इज सोर्स, ए आप मुझे ये बताएं अगर ये q1 चार्ज इधर पड़ा है तो डज दिस चार्ज एसोसिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड? आप मुझे ये बताएं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है? शाबाश. है कि नहीं है? है. इस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सोर्स क्या है? जमीन. ए यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके लिए सोर्स क्या है? अर्थ. तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लिए सोर्स क्या है? ये चार्ज. याद रखिए अगर आप इस चार्ज को सोर्स कंसिडर करें, क्लियर, दिस इज अ सोर्स चार्ज. अंडरस्टैंड? समझ आ रही है कि नहीं? आप लोग देखिए अगर आप इसे सोर्स चार्ज कंसिडर करें तो आप देखिए इसके फील्ड में ये चार्ज पड़ा है तो इसे कहते हैं फील्ड चार्ज या फील्ड पार्टिकल. ये फील्ड चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है. तो याद रखिए अगर आप Q1 सोर्स चार्ज कंसिडर करें, लुक एट द लॉजिक, अगर Q1 पॉजिटिव है और आप इसे सोर्स कंसिडर करें और Q2 भी पॉजिटिव है तो देखिए मैथमेटिक्स हमें बता रही है इधर प्रोडक्ट है. तो मैथमेटिक्स हमें बता रही है Q1 Q2 इज इक्वल टू व्हाट इज Q1 पॉजिटिव, व्हाट इज Q2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव. याद रखिए व्हेनेवर द फोर्स इज पॉजिटिव तो इसका मतलब होगा कि इट इज रिपल्सिव. द फोर्स इज, व्हेनेवर द फोर्स इज पॉजिटिव, मसलन ये फोर्स पॉजिटिव है, इधर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है दिस इज पॉजिटिव. व्हेनेवर द फोर्स इज पॉजिटिव इट विल बी रिपल्सिव. तो दिस इज नंबर वन MCQ. अगर फोर्स पॉजिटिव है इट विल बी रिपल्सिव. और याद रखिए रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द फोर्स, फ्रॉम द सोर्स होगा. ए आप लोग देखिए ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? रेपेल. आप देखिए ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रेपेल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में रेपेल कर रहा है. तो किसके डायरेक्शन में रेपेल कर रहे हैं? आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में रेपेल कर रहे हैं. इसका मतलब है कि द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ए इस तरह ये इसको इस तरह रिपेल नहीं करेगा, इस तरह रिपेल नहीं करेगा, इस तरह रिपेल नहीं करेगा,
क्योंकि इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो याद रखिए ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसका डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा, किसके डायरेक्शन में होगा, आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दिस फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो याद रखिए ये फोर्स आर के डायरेक्शन में है। और अगर आप इसे सोर्स कंसिडर करें और इसे फील्ड चार्ज कंसिडर करें तो आप देखिए फिर ये इसे रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन फिर भी आर, लेकिन अब इस आर का ये डायरेक्शन है, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन अब क्या होगा, ऑपोजिट। तो प्लीज रिमेंबर वेन एवर क्यू वन क्यू टू प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब होगा द फोर्स इज रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स होगा। दीज आर एमसीक्यूज। रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, अगर ये इस तरह है, ए अगर Q1 हमारे पास नेगेटिव है, Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो देखिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है द फोर्स इज रिपल्सिव, फोर्स इज रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स होगा। ए अब अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज भी नेगेटिव है, ये Q1 है, ये Q2 है, और आप इसे सोर्स कंसिडर करें, तो प्लीज रिमेंबर अगर आप इसे सोर्स कंसिडर करें तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा। और अगर आप इसे सोर्स कंसिडर करें तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर है, इस फोर्स का भी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर या माइनस आर यूनिट वेक्टर है। अंडरस्टैंड? यस सर। लेकिन प्लीज रिमेंबर अगर आप लोगों के पास Q1 पॉजिटिव है, क्लियर, पॉजिटिव, और Q2 भी सॉरी Q2 नेगेटिव है, क्लियर, और आप इसे सोर्स कंसिडर करें या इसे सोर्स कंसिडर करें, तो लुक एट इस केस में व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। याद रखिए वेन एवर दिस प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो दिस इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब है कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव। और याद रखिए अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन जो है ये सोर्स की तरफ होगा। मसलन इस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर आप Q1 को सोर्स कंसिडर करें, इसे सोर्स कंसिडर करें, तो देखो ये चार्ज इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे, अट्रैक्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ है, सोर्स की तरफ है। अगर आप ये सोर्स कंसिडर करें तो ये चार्ज इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन सोर्स की तरफ है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो द फोर्स विल बी रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स विल बी पॉजिटिव और वेन एवर द फोर्स इज रिपल्सिव तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा। दिस इज एमसीक्यू। अगर Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, या Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। वेन एवर द प्रोडक्ट इज नेगेटिव द फोर्स विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स की तरफ। मसला नहीं, आप मुझे ये बताएं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए सोर्स क्या है, अर्थ। आप मुझे ये बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जमीन की तरफ, सोर्स की तरफ। ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स की तरफ होता है। रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन सोर्स से अवे होगा। सो ऑल दीज आर एमसीक्यूज। थैंक यू वेरी मच।